दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th दे हैव बीन क्योर्ड एंड व्हिच टेक्स आवर परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर क्योर्ड इज टू 14.19% कल से टोटल अब तक 1334 केसेस नए आए हैं और टोटल कंफर्म केसेस की संख्या 15,712 है लास्ट 24 आवर्स में 27 नई डेथ रिपोर्ट हुई हैं विच टेक्स आर टोटल डेथ टोल टू 507 डेथ सो फार जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था माहे इन पुडुचेरी और कोडगु इन कर्नाटका में पिछले 28 दिनों से कोई केस नहीं आया है इसके साथ ही अगर आज का डेटा देखें तो 54 ऐसे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिसाइड द टू अबव डिस्ट्रिक्ट्स इन 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जहां पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है इसमें 10 नए डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूड हुए हैं वह डिस्ट्रिक्ट्स है गया और सारण इन बिहार बरेली इन उत्तर प्रदेश फतेहगढ़ साहिब रूपनगर पंजाब से भिवानी हिसार फतेहाबाद हरियाणा में कचार और लखीमपुर असम से हैं मैं आप लोगों से फिर यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा एफर्ट होना चाहिए कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में फर्दर केसेज ना आए और वो कंटिन्यू विजिल हमारी बनी रहे इसके साथ ही वैक्सीन और ड्रग टेस्टिंग से संबंधित साइंस के फ्रंटियर्स पर काम करने के लिए आज एक हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन किया गया है इसके को चेयर मेंबर नीति आयोग और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट हैं इसके अलावा इसमें आयुष ICMR डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी CSIR DRDO डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज और ड्रग कंट्रोलर भी इसके मेंबर्स हैं इस टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य अकेडमिया इंडस्ट्री और जो इंटरनेशनल एफर्ट्स हो रहे हैं उनको इनेबल करना उनको फर्दर स्पीड अप करना है इसके तहत डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को एक सेंट्रल कोऑर्डिनेशन एजेंसी बनाया गया है वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए जिसका मेजर एफर्ट्स होगा टू आइडेंटिफाई पाथवेज फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट जिसके तहत फर्दर हम एफर्ट्स करेंगे कि एक डायनेमिक लिस्ट बनाई जाए नेशनल और इंटरनेशनल एफर्ट्स के लिए जो वैक्सीन डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाए और साथ में गवर्नमेंट लेवल पर रिक्वायर्ड फैसिलिटेशन प्रोवाइड किया जाए साथ ही इस टास्क फोर्स के तहत क्लिनिकल कोहोर्ट्स विच विल बी फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म फॉलोअप ऑफ पीपल फॉर हैविंग बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज एंड इट्स मैनेजमेंट उस पर भी काम होगा इसके तहत फर्दर हम बायोस्पेसिमेंस भी कलेक्ट करेंगे जो कि हमारा एक बेसिस बनेंगे फर्दर ड्रग और वैक्सीन ट्रायल्स के लिए यह हमारे जो सैंपल टेस्टिंग प्रोटोकॉल है उससे अलग एक कार्य होगा आज मैं एक मुख्य विषय फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 अप्रैल को राष्ट्र के अपने संबोधन में कहा था कि 20 अप्रैल के बाद से कुछ जगहों पर सेलेक्टिव रिलैक्सेशन दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग 20 अप्रैल यानी कि आज रात से नॉन कंटेनमेंट एरियाज में सेलेक्टिव रिलैक्सेशन के तहत हॉटस्पॉट्स जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे उसमें कंटेनमेंट एरियाज में ये रिलैक्सेशन लागू नहीं होगा स्टेट्स यूटीज लोकल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी हैं उससे फर्दर स्ट्रिक्ट मेजर्स भी इम्पोज कर सकती हैं कंटेनमेंट जोन के विषय में मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री गाइडलाइंस है वह कहती है कि हॉटस्पॉट्स या रेड जोन्स वो एरियाज हैं जहाँ पर या तो लार्ज नंबर में कोविड केसेस पाए गए हैं या जहाँ पर कोविड केसेस का डबलिंग रेट 4 दिन से कम है इन हॉटस्पॉट्स में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिजीज स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए कंटेनमेंट जोन्स और बफर जोन्स को डिलीनेट करते हैं इन कंटेनमेंट जोन्स में कोई भी रिलैक्सेशन परमिटेड नहीं है यहाँ पर स्ट्रिक्ट पैरामीटर कंट्रोल होगा और जिसके तहत इसेंशियल सर्विसेज के अलावा कोई और सर्विसेज अलाउ नहीं की जाएंगी जहाँ पर भी हम साथ में सेलेक्टिव रिलैक्सेशन देंगे यानी कि इन कंटेनमेंट जोन से बाहर का एरिया वहाँ पर भी स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स को इंश्योर करना है कि जो एग्जिस्टिंग लॉकडाउन से संबंधित मेजर्स हैं उनका स्ट्रिक्ट कंप्लायंस हो ऑफिसेज वर्क प्लेसेज फैक्ट्रीज और एस्टैब्लिशमेंट हैं वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड SOPs और उससे रिलेटेड प्रिपरेटरी एक्शन लिए जा चुके हों कुछ एक्टिविटीज जो 3 मई तक देश में प्रोहिबिटेड रहेंगी इवन इन दीज रिलैक्सेशन एरियाज आई वुड लाइक टू साइट एंड ब्रिंग टू योर नोटिस दे आर प्राइमरली पैसेंजर ट्रैफिक मूवमेंट बाय एयर रेल रोड
एक्सेप्ट जहाँ पर कि वहाँ पर उनको एग्जम्प्ट किया गया हो, एजुकेशनल और उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रियल कमर्शियल एक्टिविटीज और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज अनलेस एंटिल दे आर स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड, साथ ही सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेज, एंटरटेनमेंट पार्क्स एट्सेट्रा, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, रिलीजियस, एंटरटेनमेंट और एकेडमिक और साथ में स्पोर्ट्स गैदरिंग भी ये उस समय पर प्रोहिबिटेड रहेंगे 3 मई तक। रिलीजियस प्लेसेज और प्लेसेज ऑफ वर्शिप और रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन भी हमने रिक्वेस्ट की है कि वह जो हैं प्रोहिबिटेड रहें। टैक्सीज इंक्लूडिंग ऑटोज एंड साइकिल रिक्शाज और कैब एग्रीगेटर्स भी प्रोहिबिटेड कैटेगरी में आते हैं। हमने कुछ एक्टिविटीज़ को रिलैक्सेशन दी है और जिसका बेसिक पर्पस है कि एग्रीकल्चर और रिलेटेड एक्टिविटीज़ फुली फंक्शनल हों, देश की रूरल इकॉनमी फंक्शन कर सके, डेली वेज अर्नर्स और बाकी लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को मॉनिटर किया जा सके, हेल्थ सर्विसेज फंक्शनल रहें, सप्लाई चेन ऑफ इसेंशियल गुड्स बनी रहे। हमारा एफर्ट है कि हम धीरे धीरे नॉर्मेलसी को रिस्टोर करें ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि जान भी है, जहान भी है। लेकिन हमें सतर्क रहना होगा कि हम किसी भी तरीके से इसमें फेल ना हों। COVID-19 के कंटेनमेंट से रिलेटेड हमारे एफर्ट्स में एक दूसरा चैलेंज है कि जब हम रिस्टोर कर रहे हैं सर्विसेज को तो हमसे कोई गलती ना हो। मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि हम सबको मिलकर लड़ने वाली लड़ाई है, इसमें हम सब एक साथ शामिल हैं। हम सभी को रिक्वायर्ड प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का हर तरह से पालन हो। जहाँ रिलैक्सेशन दिया गया है वहाँ 100% ये एफर्ट होना है कि वो सिचुएशन को मेंटेन रखें, केसेस को बढ़ने ना दें। आप सब लोगों की नॉलेज में है कि जो रेड जोन और कंटेनमेंट जोन का जो ये क्राइटेरिया है ये एक रोलिंग क्राइटेरिया है, और अगर इन जगह पर भी केसेज आए तो उनको रेड जोन और कंटेनमेंट जोन का पार्ट बनाया जा सकता है। जो कंटेनमेंट जोन्स हैं वहाँ पर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन मेजर जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे उनके द्वारा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सबके कोऑपरेशन से नॉर्मल से रिस्टोर की जा सकती है। रिलैक्सेशन एरियाज जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के सभी SOPs का पालन करना चाहिए, एंश्योर करना चाहिए कि हम रिक्वायर्ड SOPs को फॉलोअप करें। साथ ही एक तरफ जब हम सोशल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पर भी हमारा उतना ही एफर्ट है, जिसके तहत अब देश में डेडिकेटेड हॉस्पिटल 755 बनाए जा चुके हैं, डेडिकेटेड हेल्थ केयर सेंटर 1389 बनाए जा चुके हैं, विच टेक्स टू द टोटल डेडिकेटेड फैसिलिटीज वेयर सीवियर और क्रिटिकल पेशेंट्स कैन बी ट्रीटेड टू 2144। इसी संबंध में किए एफर्ट्स के तहत मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि कैसे कर्नाटका में विक्टोरिया हॉस्पिटल को एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट किया गया है। कर्नाटक राज्य सरकार का विक्टोरिया हॉस्पिटल जो बैंगलोर मेडिकल कर्नाटक राज्य सरकार का विक्टोरिया हॉस्पिटल जो बैंगलोर मेडिकल कॉलेज से एफिलेटेड है, दक्षिण भारत में उत्तम चिकित्सा के लिए जाना जाता है। यह अस्पताल 1901 में शुरू हुआ। यह अस्पताल उस वक्त के शाही घराने वाडियार परिवार की पहल थी जब बेंगलुरु प्लेग जैसी महामारी से जूझ रहा था। यह अस्पताल उस वक्त लोगों की जान बचाने में कामयाब रहा और अब जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा हो। यह अस्पताल COVID-19 के इलाज के लिए चिन्हित किया गया है। इस अस्पताल में विशेष इलाज के लिए अलग शाखाएं हैं और यहां का इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर COVID-19 वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। इस वार्ड में 500 से अधिक बेड्स अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। विक्टोरिया अस्पताल के कोरोना वॉरियर्स यहां की डीन डॉक्टर CR जयंती और उनकी टास्क फोर्स जो दिन रात यहां कोरोना के खिलाफ मैदान संभाले हुए है। First and foremost, we formed a COVID task force team and set up various committees to look out all the logistic details. And most importantly, we started with the sensitization programs for our healthcare professionals. These sensitization programs includes donning and doffing of the personal protective equipment, which is the most important part to keep them safe. Number two, we discussed the treatment protocols, and number three, we also discussed the ICU treatment protocols. इस अस्पताल के कोरोना वार्ड में बेड्स के साथ वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है। जैसे ही इस वार्ड को कर्नाटक सरकार ने कोविड वार्ड घोषित किया, यहां के मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और अन्य मेडिकल कर्मचारियों को विशेष ट्रेनिंग दी गई। उन्हें PPE के इस्तेमाल, कोरोना मरीज के सर्वेलेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रेनिंग भी दी गई। अस्पताल के एफिलिएटेड कॉलेज में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहां से सीधा अस्पताल में कोविड वार्ड के मरीजों पर नजर रखी जा सकती है। डॉक्टर्स की एक टीम इस कंट्रोल रूम में कोविड वार्ड पर नजर रखती है और मरीजों से बातचीत भी करती है। This is the main war room, what we call it is war room. So we'll be coordinating with the doctors who are working inside the zone. I mean the patient where the patients are. So we'll not be going there. One week
one shift of doctors will go there. They will stay there in a separate building. They will not come out for that 1 week. And we can also do video conferencing with the doctors inside. So any senior staff can come here, do video rounds. And in the psychiatry counseling for the patients, if patient gets agitated, depressed during this course of 2 weeks, can be counseled from here itself. अस्पताल में कोविड 19 से पीड़ित मरीजों को अलग अलग जोन में रखा जा रहा है और उनकी जरूरत के मुताबिक उन्हें अलग श्रेणी में बांटा गया है। वायरस पीड़ित मरीजों से कम एक्सपोजर हो, इसलिए विशेष इंक्यूबेटर बनाए गए हैं ताकि डॉक्टर संक्रमित ना हो। इसके अलावा इन वार्ड्स में रोबोटिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मरीज को दवा और खाना पहुंचाने की तैयारी हो रही है। अस्पताल में मौजूद लैब भी पूरी तरीके से अत्याधुनिक सुविधाओं से तैयार की गई है। हालांकि बेंगलुरु हॉटस्पॉट घोषित होने के चलते इस अस्पताल में शहर के अलग अलग हिस्सों से आए मरीज यहां इलाज करवा रहे हैं, लेकिन विक्टोरिया अस्पताल राज्य के दूसरे जिलों को भी मेडिकल सपोर्ट उपलब्ध करा रहा है। ऐसे में विक्टोरिया अस्पताल देश भर में कोविड 19 के खिलाफ चल रहे युद्ध में अपना योगदान दर्ज कर कई जिंदगियां बचाने के प्रयास में एक अहम भूमिका निभा रहा है। कि मास्क और फेस कवर का यूज एक बैरियर के रूप में काम करेगा, पर्टिकुलरली जहां डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है और साथ में जब हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, यह बैरियर हमें एक एडिशनल प्रोटेक्शन देता है। इससे रिलेटेड गाइडलाइंस बोथ मास्क और फेस कवर के लिए ऑलरेडी इशू की जा चुकी हैं। गृह मंत्रालय की जो डायरेक्शन है उसमें भी कहा गया है कि वेयरिंग ऑफ फेस कवर इज कंपल्सरी इन ऑल पब्लिक एंड वर्क प्लेसेज। इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी अपील के तहत हमारे देश के क्रिकेटर की एक अपील भी मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा। आप अपनी पूरी फैमिली के साथ हमें चेयर करते हैं और आज मैं आपकी पूरी फैमिली से ही बात करने आया हूं। टीम इंडिया का हिस्सा होना एक बहुत गर्व की बात है, पर आज एक उससे भी बड़ी टीम बनने जा रही है, टीम मास्क फोर्स। नहीं समझे? जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तरह तरह के टास्क फोर्स बनाए हैं, उसी तरह हम 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को भी अपने घरों में कोरोना वायरस के खिलाफ बनानी है एक मास्क फोर्स। मास्क फोर्स का हिस्सा बनना बहुत ही आसान है, बस घर बैठे बैठे अपने लिए एक मास्क बनाइए, जैसे मैंने ये बनाया है। फर्जी भाजी, आपका मास्क कहाँ है? ये देख, मैंने ये बनाया है। ये है मेरा मास्क। और घर के बाहर इस मास्क को हमेशा पहनना है। ये मैंने बनाया है। ये किसी भी साफ कॉटन के कपड़े से बनाया जा सकता है और डिजाइन भी जो आपको पसंद हो, है ना बढ़िया? बहुत चंगा है। Come on India, मास्क बनाओ और मास्क फोर्स का हिस्सा बन जाओ। और हाँ, याद रहे, साथ ही 20 सेकंड तक हाथ भी धोने हैं और सामाजिक दूरी भी बनाए रखनी है। ये है मेरा मास्क। मास्क घर बैठे आसानी से कैसे बनाना है, इसकी सारी जानकारी आपको आरोग्य सेतु ऐप पर मिल जाएगी। आज ही डाउनलोड कर लीजिए। का हमेशा प्रयोग करना है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि फेस कवर्स को इस्तेमाल करें और इस फोर्स को ज्वाइन करें। मेक योर ओन मास्क एंड ज्वाइन द मास्क फोर्स। आज जरूरत है कि हम सब लोगों को एफर्ट्स करने हैं कि जो भी हमारे जिले रेड जोन के अंदर आते हैं उनको नेक्स्ट 14 दिन तक वहाँ केसेस ना आए। एफर्ट्स ऐसे हों कि उसको हम ऑरेंज जोन में कन्वर्ट करें और नेक्स्ट 28 दिन तक वहाँ कोई केस ना आए और उसके तहत हम उसको ग्रीन जोन में कन्वर्ट करें। इस एफर्ट में हम सब लोगों को मिलकर काम करना है। धन्यवाद।